Assalamualaikum students, welcome back to my Bright Bulb Academy. तो कैसे हैं आप सब लोग? A1 है, चलो गुड हो गया. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर माइक्रोब्स? तो हम सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी लिविंग बींग्स होते हैं, जिन्हें आप जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हो. माइक्रोब्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं. और ये बात हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स जितने भी, प्रोकैरियोट्स का मतलब यही होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्स होते हैं, और यूकैरियोटिक होने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर होना. जानवर होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, विच मीन्स कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं. और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, विच मीन्स कि वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं. माइक्रोब्स की खास बात यह है कि उनके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों तरह के माइक्रोब्स आपको मिलते हैं, तो ये इनकी खासियत है. इसके अलावा ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आप अपनी आम आँख से इनको नहीं देख सकते हो. इनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो, और माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये अपने स्ट्रक्चर में इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितने यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स मैंने ऊपर बताया वो मल्टी सेलुलर होते हैं, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं. यही वजह है कि यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर बनिस्बत यूकैरियोट्स के इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. नंबर टू करेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये डाइवर्स होते हैं, कि बेशक इनका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना यूकैरियोट्स का होता है, लेकिन कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा किस्में मिलती हैं माइक्रोब्स की. इतनी डाइवर्सिटी है, यानी इतने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स हैं कि इवन कि उनकी क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हर माइक्रोब जो है वो दूसरे माइक्रोब से किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक की वजह से यूनिक है. इस वजह से उसकी करेक्टराइजेशन करना या उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तीसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि माइक्रोब जो हैं, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो गुड माइक्रोब्स कहलाते हैं, विच मीन्स कि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उल्टा हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो गुड माइक्रोब्स कहलाते हैं, लेकिन कई माइक्रोब्स हमारे लिए डिजीज़ का बायस बनते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं. ठीक है, तो ये तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रोब्स की. इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स के बारे में जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, और जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. उसके बाद आ जाता है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स? जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं? अब आप समझ लें कि आपने एक बॉक्स लिया हुआ है और उसके अंदर आपने अपनी सारी ज्वेलरी फेंकी हुई है. अब उसी के अंदर आपके इयररिंग्स हैं, उसी के अंदर आपके ब्रेसलेट्स हैं, उसी के अंदर आपके नेकलेसेस हैं, उसी के अंदर आपने अपने पेंडेंट्स फेंके हुए हैं, तो वो सारी कहलाएगी तो ज्वेलरी, लेकिन वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे. इसलिए आप उनको अगर ग्रुपिंग कर दो, तो एक में आपने नेकलेसेस रखे हैं, एक में पेंडेंट्स रखे हैं, एक में रिंग्स रखे हैं, तो आपको वक्त पर आपकी चीज़ मिलेगी. इन द सेम वे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं ताकि हम उनको कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें, नंबर टू उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, इसके अलावा उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने में आसानी हो जाती है और हमें समझ में आती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक है या नहीं है. इसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी बहुत इजी हो जाती है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाना आसान हो जाता है, विच मीन्स के दो माइक्रोब्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, या अगर उनके जीन्स मिल रहे हैं तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, या इनका फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो सेम ही है. तो यही वजह है कि इन चार मेन रीजंस की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं.